शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन इफ द इलेक्ट्रोनिक्विटीज ऑफ द टू एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर द बॉन्ड पेयर विल रिमेन इन द मिडल ऑफ टू एटम्स। अगर दोनों भी एटम की इलेक्ट्रोनिक्विटी सेम है तब क्या होता है, वो जो बॉन्ड पेयर जो रहती है वो दोनों के सेंटर में रहेंगी, दोनों के मिडल में रहेंगी। बट इफ इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस इज मोर, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस अगर ज्यादा है तब क्या होता है, द बॉन्ड पेयर विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, अंडरस्टैंड, मेकिंग इट पार्शियली नेगेटिव एंड द अदर एटम इट कैन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सच ए मॉलिक्यूल आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, जैसा एच एफ है, एस सी एल है, ये पोलर है। लेकिन जैसे मैं आपको कह रही थी कोवेलेंट बॉन्ड का भी फॉर्म हो रहा है, सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एच टू, दो हाइड्रोजन आइटम है, दोनों ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वो जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उनमें जो लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसको अपन कहते हैं बॉन्ड पेयर, दोनों ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने से क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो वो बॉन्ड पेयर क्या रहेंगे, दोनों के मिडल में रहेंगी and both the atoms are having same electronegativity, understand? So that at that time that bond is non-polar. वो bond polar रहेगा कि तब वो bond non-polar रहेगा। लेकिन अगर दो अलग-अलग atoms हैं, जैसा for example है एक hydrogen है और दूसरा fluorine है, hydrogen एक electron share करता है, fluorine भी एक electron share करता है, दोनों भी अगर एक-एक electron share करके जब ये bond form करते हैं covalent bond, तब क्या होता है? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो ज्यादा रहती है किससे, हाइड्रोजन से। देन व्हाट हैपेंस, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों भी शेयर करने से जो बॉन्ड पेयर जो फॉर्म हो गई है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा रहने से क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन किसकी है, फ्लोरीन की है, इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर जो रहती है ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होती है, पूरी की पूरी नहीं, अंडरस्टैंड। तो ये बॉन्ड पेयर थोड़ी सी फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होती है, इसलिए फ्लोरीन को चार्ज आता है पार्शियल निगेटिव, इसको ऐसा डिनोट करते हैं डेल माइनस, और फिर हाइड्रोजन को क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा जो एटम रहता है उसको पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको पार्शियल नेगेटिव रहेगा, उसको अपन डेल माइनस से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो एटम रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। तो सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उनको क्या कहने का, पोलर मॉलिक्यूल कहने का। अब दूसरा फॉर अदर एग्जाम्पल है, सपोज एस सी एल है, HCl में भी क्या होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन उसके जो आउटर पेयर में के जो सात इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट कर देता है, क्लोरीन उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। लेकिन दोनों भी एटम सेम है क्या, नहीं है, दोनों भी एटम सरीके नहीं रहने की वजह से, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग रहने से ये जो बॉन्ड पेयर जो फॉर्म हुई है वो क्या करता है, फिर क्लोरीन, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहने से द बॉन्ड पेयर विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, एंड दैट्स व्हाई दिस क्लोरीन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल है ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल फिर HF है, HBr है, HCl है, HI है, दीज मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट पोलर मॉलिक्यूल। और H2, F2, Br2, Cl2, I2 ऐसे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये, लेकिन कैसे रहेंगे, उनमें ऐसा चार्ज रहेगा क्या, आप अगर दो हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो दोनों की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम है, इसलिए क्या होता है दोनों ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और एक बॉन्ड पेयर जो फॉर्म की है वो दोनों के सेंटर में रहती है, और बॉन्ड पेयर सेंटर में रहने की वजह से दे आर नॉट हैविंग एनी चार्जेस, उनको एटम को कोई भी चार्जेस नहीं रहते, इसलिए वो जो मॉलिक्यूल रहता है वो रहता है नॉन पोलर, उसको अपन कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड। हाँ, अभी डायपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाइपोल मोमेंट देखिए क्या है एक्चुअली, तो डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। इट इज डिफाइंड एज, उसके डेफिनेशन क्या रहेंगी, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन रहेगी, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है उनका प्रोडक्ट, एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, अपोजिट जो चार्जेस है उनमें का डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ, इट इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू, डाइपोल मोमेंट का आप डिनोट करते हैं म्यू से, एंड डाइपोल म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू आर। क्यू यानी कि क्या है यहाँ पर, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट चार्ज, क्यू यानी कि चार्ज, एंड आर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस यानी कि बॉन्ड लेंथ, आर ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू आर, डेफिनेशन वही है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द एरो पॉइंट टू द नेगेटिव चार्ज एंड इट्स लेंथ इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऑब्वियसली इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसका चार्ज कितना रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, या क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, या ब्रोमीन मॉलिक्यूल है Br2, या आयोडीन मॉलिक्यूल है I2। अब ये Cl2, Br2, H2, I2, ये मॉलिक्यूल कैसे है, नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है ये, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड पेयर रहेंगी वो दोनों के सेंटर में रहेंगी, दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है, इसलिए वहां पर बॉन्ड पेयर जो है वो शिफ्ट होने का कोई भी सवाल नहीं आता है। तो इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ऐसे जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर रहते हैं, इसलिए क्यू कितना रहेगा यानी कितना चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैसे दैट चार्ज, तो चार्ज वहां पर रहने वाला है क्या, नहीं, चार्ज इज जीरो। और अगर चार्ज जीरो है तो डाइपोल मोमेंट कितनी रहेंगी, क्या है फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का, म्यू इज इक्वल टू क्यू यानी कि चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ रहेंगी लेकिन चार्ज कितना रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज जीरो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कहा कि H2, F2, Br2, ठीक है, दीज आर एग्जांपल, तो वहां पर म्यू इज नथिंग बट ऑटोमेटिकली जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो इंटू आर, जीरो इंटू आर यानी कि जीरो। तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल रहते हैं H2F2, Cl2, Br2, O2, तो ये पूरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जीरो रहती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जीरो रहती है। सीजीएस यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट इज डीबाई, सीजीएस यूनिट जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट डी बाय। डायपोल मोमेंट जो है उसका यूनिट रहता है डी बाय, और उसको जो है वो डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल डी, कैपिटल डी। तो ए डी बाय इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट म्यू। व्हेन द चार्ज इज नथिंग बट सपोज 1 × 10⁻¹⁰ ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर चार्ज ये 1 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसे अपन कंसिडर करेंगे, और डिस्टेंस जो रहता है जिसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ, है ना, यानी कि ये दो सपोज दो एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, और इनमें का जो डिस्टेंस है जिसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ जो रहती है इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर, इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ कितनी है, सपोज 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज नथिंग बट 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। तो डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी फिर कोई मॉलिक्यूल में, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्यू कितना है चार्ज 1 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड लेंथ आर, आर इज 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, तो म्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁰ इंटू 10⁻⁸ इज नथिंग बट 10⁻¹⁰
10 रेस टू माइनस 8, ये बताया 10 रेस टू माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड 1D बाय, ये जो वैल्यू है 10 रेस टू माइनस 18 ASU सेंटीमीटर, इसको कहते हैं 1D बाय। एंड दस वी कैन से दैट 1D बाय इज द टिम्बर 10 रेस टू माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो ये 1D बाय यानी कि 10 रेस टू माइनस 18 ESU सेंटीमीटर इतना रहता है, ठीक है। Then come to the next, that is nothing but the measurement of dipole moment by temperature method. I thought you can understand the dipole moment. Dipole moment जो है वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये dipole moment जो रहता है, generally it is asked for the short notes. Short notes के लिए पूछते हैं dipole moment यानी कि क्या। तो फिर आपको explain पहले करना पड़ेगा कि covalent bond कैसे form होता है, ये सबको पता है, by sharing of electron between two atoms. अगर दोनों भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके की है तो बॉन्ड पेयर ये मिडल में रहेंगी, लेकिन अगर दोनों भी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, जैसा HF है या HCl है, तब क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहता है, यानी कि कंसिडर करो कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है यहाँ पर और फ्लोरिन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, अब इनका जो एक बॉन्ड पेयर जो फॉर्म हो गया है वहां पर क्या हो जाता है, जो लोन एक लोन पेयर, वी कैन से दैट वन लोन पेयर, तो वो क्या हो जाता है, दिस विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, जैसे फ्लोरीन है यहाँ पर, तो उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है, पूरा के पूरा नहीं। अगर पूरा के पूरा अगर फ्लोरीन ने लिया होता बॉन्ड पेयर तो उसको कंप्लीट निगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ज है इट इज नथिंग बट पार्शियल निगेटिव, इसको अपन कहते हैं पार्शियल डेल माइनस, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल माइनस से। तो थोड़ी सी बॉन्ड पेयर क्या होती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ शिफ्ट होती है, इसलिए जो ज्यादा नेगेटिव रहेगा उसको पार्शियल नेगेटिव आता है, और ऑटोमेटिकली दूसरा जो रहेगा उसको फिर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इनको कहने का अपन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डायपोल मोमेंट ये खाली पोलर मॉलिक्यूल ही बताते हैं, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल रहेंगे, सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कितनी रहती है, जीरो रहती है। क्यों जीरो रहती है, क्योंकि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल रहेंगे उनमें चार्ज रहने वाला है क्या, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे चार्जेस रहने वाले क्या, नहीं। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उनमें चार्ज जीरो रहता है, इसलिए डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो इंटू आर कर दो, आपको वहां पे जीरो मिलेगा। इसलिए डायपोल मोमेंट की कितनी रहती है, जीरो रहती है। तो डायपोल मोमेंट यानी कि क्या, व्हाट इज म्यू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट म्यू इज नथिंग बट क्यू इंटू आर, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, ठीक है। डायपोल मोमेंट यानी क्या समझ में आएगी फिर आपके, क्या रहता है फिर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू इज नथिंग बट क्यू इनटू आर, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। जैसे अपन ये डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज ये चार्ज है, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जैसे हाइड्रोजन है और ये फ्लोरिन है, कंसिडर करो। तो फ्लोरिन को क्या रहेगा, माइनस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज, चार्ज यानी कि क्या रहेगा, क्यू, एंड आर इज नथिंग बट क्या है, आर यानी कि क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो दिस CGS यूनिट जो है डायपोल मोमेंट का वो क्या रहेगा, डी बाय, अंडरस्टैंड। तो म्यू इज नथिंग बट क्यू इंटू आर, तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 10, ये क्या होगा, चार्ज हो गया, चार्ज क्यू इन ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और बॉन्ड लेंथ 10 रेस टू माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 रेस टू माइनस 10, और ये 10 रेस टू माइनस 8 कितना होता है, 10 रेस टू माइनस 18 सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, इट इज नथिंग बट 1D बाय, इसको 1D बाय ऐसा कहा जाता है। तो 1D बाय इज नथिंग बट 10 रेस टू माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। तो ये होगा डायपोल मोमेंट के बारे में। अभी हाउ यू कैन मेजर द डायपोल मोमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट बाय टेम्परेचर मेथड, एक टेम्परेचर मेथड है और उसका यूज करके आप डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करते हैं। तो द मोलार पोलराइजेशन, मोलार पोलराइजेशन जिसको डिनोट किया जाता है PM से, कैपिटल P स्मॉल m, इज रिलेटेड विद टेम्परेचर, एंड अकॉर्डिंग टू डी बाय इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट डी बाय, according to this D by equation, PM is the number NA into alpha
अपॉन थ्री इप्सिलॉन जीरो प्लस एन ए अपॉन थ्री इप्सिलॉन जीरो इन ब्रैकेट म्यू स्क्वायर अपॉन थ्री के टी. अंडरस्टैंड दिस इज दी वी कैन सी दैट मोलर पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट डी बाय. So that's why we can say that according to Debye equation, PM is equal to NA into alpha upon 3 epsilon 0 plus NA upon 3 epsilon 0 in bracket mu square upon 3 KT. Here, this mu is nothing but dipole moment. Yeh jo mu aapko dikh raha hai, yeh kya hai? Dipole moment hai. Yani, yani ki kya rahenga? Avogadro's number. Iski value fix rahti hai Avogadro's number ki. Then here, this k is nothing but Boltzmann constant. ये जो k जो है इसको कहते हैं Boltzmann constant. और t यानी कि temperature. ठीक है, this t यानी कि temperature. कितना temperature है? 25 है, 35 है, depends upon that. Here pm, this pm is nothing but epsilon minus 1 upon epsilon plus 2 into m upon rho. And this above equation it can be modified as PM is equal to A plus B upon T. And we can calculate by this, we can calculate this PM also by using the graph. Graph jo hai usse bhi aap ye PM jo rehta hai, PM yani ki molar polarization, wo calculate kiya jata hai. So in this method, the directivity constant epsilon and density of vapor, it is nothing but rho, are measured at a series of temperature. अलग अलग temperature को क्या किया जाता है ये method में, directivity constant जो epsilon है वो, और density of vapor जो रहता है rho, तो they are measured at the series of temperature and the molar polarization is then calculated. और molar polarization जो है PM वो calculate किया जाता है, then PM is plotted against 1 upon T. On x-axis we can take 1 upon T, 1 upon T यानी कि temperature, और y-axis पर लेते हैं PM, और वो जो कुछ भी data मिला है, we can plot the graph, तो we can get a straight line graph, ठीक है, आपको एक straight line graph मिलता है, तो इसका ये जो रहता है, this B is nothing but slope, ये slope है, और A जो रहता है, it is intercept on y-axis, intercept on y-axis. The slope of the curve corresponding to B, ये जो slope जो रहता है, ये कितना आना चाहिए? तो it is nothing but B is equal to N A into mu square upon 9 K epsilon 0. ठीक है? This ये जो value रहेंगी इसके बराबर उसका slope आता है. And from this dipole moment, we can calculate PM. PM जो है, वो dipole moment से आप इसको calculate कर सकते हैं. PM is nothing but N A into alpha upon 3 epsilon 0 plus N A upon 3 epsilon 0 mu square upon 3 K T. 3 and 3 9, इसलिए 9 आ गया है पर 9 K epsilon 0, 9 K epsilon 0. ठीक है, this is nothing but B. So this method is nothing but the temperature method, and by using this method we can determine the dipole moment. ये जो method है इसका use करके आप dipole moment determine कर सकते हैं. और यहाँ पर जो molar polarization जो रहता है वो calculate करने के लिए ये भी formula use किया जाता है. PM is equal to A plus B upon T. A यानी कि intercept रहता है और B यानी कि क्या रहता है, slope of the graph. ये जो graph है इसका slope रहेगा B, और A यानी कि A is nothing but the intercept. Understand? Yes? Kisi kuch question hai kya? Any question about this dipole moment? म्यूट ये पता है इसको. यस, एनी क्वेश्चन?
then we can see the dipole moment and structure of molecule. Dipole moment और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो रहता है मॉलिक्यूल का उसमें क्या रहेगा. अब डायपोल मोमेंट यानी कि क्या आपको पता है, डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यू, इसका अपन म्यू से डिनोट करते हैं. तो डायपोल मोमेंट कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इफ देयर आर टू और मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर ए मॉलिक्यूल, इफ देयर आर टू और मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स for a molecule, the correct one can be identified from a study of its dipole moment. Dipole moment जो है उसकी study करने के बाद में ही correct structure क्या है वो आप identify कर सकते हैं. जैसे for example we can say water है, water में दो structure है, ठीक है, या which structure is correct, उसमें correct structure क्या रहेगा वो आप identify कर सकते हैं. Monoatomic molecules, monoatomic molecules must be non-polar. Monoatomic जो molecules रहते हैं, these are nothing but the noble gases. ये zero group element जो है अपने, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. तो ये पूरे monoatomic molecules है, ठीक है? He, helium. आपको भी He2 लिखते हैं क्या? नहीं, we can write just helium, He. Neon, argon, krypton, xenon, radon. All are nothing but the noble gases. तो this monoatomic molecules must be non-polar. ये कैसे non-polar है? तो the noble gases do not have any dipole moment. The noble gases do not have any dipole moment. That is, dipole moment is zero. उनके जो dipole moment रहेंगी वो कितनी रहेंगी? Zero रहेंगी. Monoatomic molecules will be having dipole moment zero. Okay. Then come to the diatomic molecules. अब ये diatomic molecules जैसे अभी अपने एग्जांपल देखा था कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइक एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2 Br2, ये सभी कैसे है? नॉन पोलर है. क्यों नॉन पोलर है ये? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है बोथ विल शेयर वन वन इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे सेम है, इसलिए बॉन्ड पेयर जो रहेंगी वो दोनों के सेंटर में रहती है, एंड दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर. तो इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो दिस इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर बाइंडिंग द एटम्स आर सिचुएटेड इक्विडिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स एंड दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट इज जीरो. जो डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइक एलिमेंट जो रहते हैं, लाइक एलिमेंट यानी कि दोनों भी सरी के एलिमेंट H2O2 Cl2 Br2 I2 F2 एक्सेट्रा, तो ये सभी जो मॉलिक्यूल जो है उनमें डायपोल मोमेंट कितनी रहेंगी? जीरो रहेंगी. वही अगर अपन एग्जांपल कंसीडर करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि कैसा, HCl, HF, HBr, HI, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, इनमें लेकिन डायपोल मोमेंट रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये HCl है तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो दैट्स व्हाई जो बॉन्ड पेयर जो शेयर हो गई है, बॉन्ड पेयर जो रहेंगी वो क्या हो जाती है, क्लोरीन की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट होती है, इसलिए क्लोरीन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन HF सेम क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई क्लोरीन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन HBr ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई ब्रोमीन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं रहेंगी. अंडरस्टैंड? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी टू पार्ट्स रहेंगे. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में लाइक एलिमेंट अगर है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे, और अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहे तो डायपोल मोमेंट जीरो रहेगी. वही अगर डायपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट एलिमेंट है तब क्या होता है, फिर वहां पर दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर, HCl, HF, HBr, HI, CO, ये पूरे पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल अगर है तो इट इज हैविंग डायपोल मोमेंट, यानी कि इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेंगी. दिस इंडिकेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स इज नॉन इक्विडिस्टेंट. एनी क्वेश्चन?
हाँ यस, किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? अभी मीटिंग क्लोज करने का टाइम हो रहा है, तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। 1 मिनट अपने पास बाकी है, सबको अनम्यूट कर देंगे। कहाँ से नो बात सर, करते हैं? हाँ, एनी क्वेश्चन, किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? नो सर, इसके आगे आगे का जो पार्ट है वो अपन कल ले लेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे डाल देना लेकिन आप। हाँ, YouTube पे डालेंगे ना, ये होने के बाद में 3 4 5 लेक्चर में जितना भी हो जाएगा कंप्लीट, वो फिर YouTube पर अपलोड करेंगे, ठीक है? कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह में। हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है तो एक आप WhatsApp पर ऐसे पर्सनली भेज दो कि सर ये समझ में नहीं आया, वो आपको बता देंगे। ठीक है। तो स्टॉप कर सकते हैं अभी, जस्ट 1 मिनट विल बी रिमेन। 1 मिनट है, अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो यू मे आस्क।